अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। नाकाबिले फरामोश के एक और नए एपिसोड में आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ किया करें, न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा काले जादू, नज़र बद और शयातीन जिन्नात के शर से भी और बुरे लोगों से और हासिदीन से अपनी हिफ्ज़ो अमान और पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन। कहा जाता है कि नज़र बद ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। इसीलिए अपने आने वाली प्लानिंग्स जो आप कामयाबी की तरफ एक कदम उठा रहे हो, कभी भी किसी से शेयर ना करें जब तक आप उसमें पूरी तरह से कामयाब ना हो जाएं। और दोस्तों, जिन्नात की कहानी सुनने का मज़ा तो ऑडियो में ही है। अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें और पूरे माहौल के साथ वाकियात सुने। हॉरर स्टोरी सुनने का जो रियल एक्सपीरियंस होता है वो एंजॉय करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। मेरा नाम फातिमा है और मैं कराची की रहायशी हूं। एक बार हम एक घर में शिफ्ट हुए थे और वो भी कराची में ही, बल्दिया टाउन 19D का इलाका था। दरअसल हम उस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। मेरे वालिदैन एक नए घर की तलाश में थे और जब ये फ्लैट उन्हें किसी के रेफरेंस से मिला था, देखकर आने के बाद फौरन उसी दिन हम शिफ्ट हो गए। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे, नीचे सीढ़ियों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये घर कितना वीरान है। बहुत अजीब सी सीढ़ियाँ थी। उस पूरी बिल्डिंग में बहुत अंधेरा अंधेरा रहा करता था और कोई भी किसी से आपस में बातचीत भी नहीं करता, ना ही कोई किसी को वेलकम, या लोग आपस में मिलते जुलते भी नहीं थे। जितने भी लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, सब अपने काम से काम रखते थे। लेकिन आखिर पड़ोसियों को एक दूसरे से ताल्लुका तो रखने चाहिए। हम सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हुए थे और नीचे देखने से पता चलता कि वो एक मार्केट है। नीचे कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान है, सुपर स्टोर, इस तरह की जगह थी। घर काफ़ी बड़ा था, एक बहुत बड़ा कमरा था, एक बहुत बड़ा लाउंज भी था और किचन भी अच्छा खासा बड़ा था। और ये बताती चलूं कि ये घर मेरे वालिद साहब के दोस्त के रेफरेंस से ही हमें मिला था। हम बस तीन ही लोग थे उस घर में, मेरे वालिदैन और मैं। फातिमा कहती हैं कि जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तकरीबन 1 से 1.5 महीना तो बहुत ही आराम से गुजर गया, लेकिन वहाँ पे लाइट भी बहुत जाती थी। पर इस 1.5 महीने के अरसे के बाद वालिद मोहतरम शदीद बीमार होने लगे थे। वालिद साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो आए दिन बीमार रहा करते थे, कभी बुखार रहता और काम पर भी ज़्यादा नहीं जा पाते, इसी वजह से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जब से इस घर में शिफ्ट हुए थे। और मेरी वालिदा मोहतरमा शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, पर अम्मी यहाँ आकर ठीक हो गई इसी घर में। हमें नहीं पता था कि इस घर में और क्या क्या मामला थे। अक्सर और बेशतर तो मैं उस घर में अकेली रहा करती थी जब वालिदे नहीं होते, क्योंकि हमें इल्म भी नहीं था कि यहाँ पर आखिर इससे क्या मामलात हैं। और अब इस घर में होने वाले वाकयात जिसने हमें खौफ में मुब्तला किया, उसका पहला वाकया जिसका आगाज़ बहुत ही भयानक हुआ। एक सुबह नाश्ता करने के बाद वालिदैन से आपस में गुफ्तगू हो रही थी। वालिद साहब ने कहा कि बेटा, क्या तुम रात को उठी थी और तुमने मुझे आवाज़ दी थी कि मुझे वॉशरूम जाना है? तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, मैं आपको आवाज़ क्यों दूंगी? वालिदा ने कहा कि अगर इसे आवाज़ देना होता तो ये मुझे देती। और फिर मैंने ये कहा कि मैं तो उठी ही नहीं, आवाज़ तो बहुत दूर की बात। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि नहीं बेटा, कल रात को तुम मेरे कमरे के बाहर आई थी और तुमने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और तुम मुस्तकिल वहीं खड़ी रही। और जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब मेरे बाबा ये देखने और महसूस करने लगे कि मैं डर रही हूँ, तो उन्होंने इस टॉपिक को चेंज कर दिया। अम्मी जान ने कहा कि मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। और अम्मी की ये बात सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं बहुत डर गई थी। फातिमा कहती हैं कि हमारे उस घर में लाइट भी बहुत जाती थी, अक्सर 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। लेकिन एक अजीब सी बात तो ये थी कि उस घर में जैसे हर वक्त ऐसी चल रहा हो। वो घर बहुत ठंडा रहता था, रात में थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती लेकिन पूरा दिन बहुत ठंडा रहता, न जाने क्यों। और एक दिन एक पड़ोसी आंटी हमारे घर आई।
हमें बड़ी खुशी हुई। और जब वो वालिदा से बातें करने लगी तो वो कहने लगी कि आपसे पहले भी जितनी भी फैमिली यहाँ पर आई हैं, कोई भी इस घर में रुकता नहीं है। और जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे जिन्होंने हमें ये घर दिलाया था, उन्होंने भी मेरे वालिद साहब को कहा था कि पहले आप रेकर चेक कर लें, हो सकता है कि आप इरादा बदल दें। बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या बातें कहते हैं, शायद वो सब वहमी लोग हैं। आप पहले रहकर देख लें, हो सकता है कि आपको सही न लगे तो आप मूव कर लीजिएगा। और आंटी ने भी यही बात कही कि यहाँ पर लोग नहीं रहते, तरह तरह की बातें सुनी हैं। असल बात तो वाजे थी कि ये घर आसिब जदा था, यानी जिन्नात का यहाँ पर बाकायदा आस्ताना था। एक रात में लेटी हुई थी, रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि लाइट तो 3-3 घंटे नहीं होती, इसी तरह लेटे लेटे नींद नहीं आ रही थी और सामने ड्रेसिंग टेबल थी। अचानक शीशे पर नज़र पड़ी तो ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जैसे पलट के देखा खड़े होकर घबराहट से खड़ी हो गई थी, तो वहां पर कोई भी नहीं था। और जब मैं दोबारा लेटी ये सोचकर कि शायद ये मेरा वहम है, तो दोबारा अब की बार मेरी आंखों के सामने बाहर से कोई गुजर गया, तब जो मेरी हालत खराब हुई। उठने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, ना ही बाहर जाकर देखने की कि आखिर ये कौन है। तब मैं समझ गई। और इसी तरह इस घर में और भी बहुत सारे वाकयात होते रहे। अम्मी ने कहा कि किचन में जब भी मैं काम करती हूँ, मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ, मुझे बाकायदा ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा हो, और वो भी मेरे पीछे। इस तरह मेरी रातों की नींदें हमेशा हराम रहती, क्योंकि टेंशन और घबराहट से नींद भी नहीं आती खौफ की वजह से। हमारे घर में जो भी था, ये बात वाजे थी कि कुछ तो है। अम्मी हमेशा गलत नहीं कहती थी। और फिर मेरे बाबा की बातें मुझे याद आती हैं कि जब उन्होंने मेरे रूप में किसी को देखा था जो कमरे के बाहर खड़ी थी। और फिर अम्मी भी तो कहती हैं कि किचन में कोई उनके पीछे चलता है। एक और अचंभे की बात यह है कि अम्मी जब भी किचन में कोई भी काम करती हैं, वो खुद ब खुद जल्दी हो जाते हैं, जबकि गैस इतना स्लो आने के बावजूद भी खाना जल्दी पक जाता। तमाम वो काम, खाना बनाने से लेके रोटी बनाने तक, सर्व करने तक, हर चीज़ बहुत स्पीड से हो जाते। और फिर अम्मी की सेहत भी तो बहाल हो जाना, ये तमाम बातें कोई नॉर्मल नहीं थी, ये आम बातें नहीं थी, बल्कि सोचने वाली बातें थी कि ये सब कुछ खुद ब खुद कैसे होता है। अम्मी नमाजी हैं, अम्मी ने माशाल्लाह काफ़ी बार अपना कुरान भी मुकम्मल किया है। मेरी अम्मी जान किचन में किसी का वजूद अपने पीछे महसूस करती हैं, और ये बात सच है, क्योंकि उस घर में कुछ तो है। लेकिन कभी कभी बहुत बेरौनक सा लगता है। एक तो लाइट चली जाती है शाम के 6 बजे और फिर 9 बजे आती है, और रात के जाने का भी कोई टाइम ही नहीं, बहुत देर देर तक लाइट आती है। ऐसा लगता है कि बहुत वीरान सा है। शाम के 6 बजे जब लाइट चली जाती है तो अजीब सा सन्नाटा, बहुत वीरान सा लगता है। और वीरानगी की वजह एक ये भी थी कि वालिद साहब तो काम पर होते, आखिर मामला नॉर्मल होने लगे थे, इसीलिए वालिद साहब काम पर चले गए। हमेशा काम पर होते तो मैं और मेरी वालिदा अकेले होते, और मैं और मेरी अम्मी अक्सर खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए बाहर चली जाती थी। और एक रात अम्मी जा नीचे सो रही थी, और अचानक से अम्मी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई बातें कर रहा है, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें, कभी किसी बड़े आदमी की और एक छोटे बच्चे की आपस में गुफ्तगू की आवाज़ें, और कभी हंसने की आवाज़। अम्मी जान के रोंगटे खड़े हो गए। अम्मी बहुत डर गई, और खौफ की वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी। बाकायदा उन्हें ये महसूस होते जा रहा था कि आपस में कोई बातें कर रहा हो, उनके आसपास कोई है। अम्मी जान ने मुड़के भी देखा आगे पीछे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और सुबह अम्मी जान ने ये बात मुझे बताई। हम काफ़ी डर गए थे, पर मेरे वालिद साहब ने मेरी वालिदा की इस बात को भी इग्नोर किया, या हो सकता है कि वो खुद जानबूझ के सीरियस नहीं ले रहे हों, क्योंकि वो जानते थे कि अक्सर मैं और मेरी वालिदा घर में अकेले होते हैं। हो सकता है कि वालिद साहब हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए जानबूझ के इग्नोर कर रहे हों। लेकिन हमारे घर में हंसने की आवाज़ें आना, मुस्तकिल मेरी वालिदा के पीछे किसी का होना, कमरे में बैठा हुआ किसी को देखना, किसी का साया महसूस होना, आपस में गुफ्तगू की आवाज़ें, काम का जल्दी हो जाना, ये तमाम बातें आम नहीं थी, वाजे कर रही थी कि हमारे घर में जिन्नात हैं। मेरी खाला सऊदी अरब में रहती है। वालिदा मोहतरमा की जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस घर को फौरी तौर पे छोड़ दो, बाजू का जिन्नात बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं,
और हमने भी यही डिसाइड किया कि अब हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, वरना आहिस्ता आहिस्ता जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। इंसान को इस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं जिन्नात कि वो बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है और जानी नुकसान भी हो सकता है, माली एतबार से भी ख़राब कर सकते हैं। बहुत सारे नुकसान होते हैं इंसान को। हमने घर भी इसी तरह छोड़ा क्योंकि वाकयात तवातुर के साथ होने लगे थे। हमने रातों रात वहाँ उस घर में पैकिंग कर ली और दूसरे ही दिन फौरी तौर पे खाली कर दिया, लेकिन वो जो रात थी बहुत भारी गुजरी। उस घर की आखिरी रात में हमें हंसने की बहुत सारी आवाज़ें आती गई। पूरी रात ऐसा महसूस होने लगा जैसे वहाँ पर मुस्तकिल कोई हंस रहा हो और आगे पीछे कोई घूम रहा हो। जैसे कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कदमों के साथ कदम मिला के कोई चल रहा हो, और ये वालिदा के साथ बहुत होता था। मैंने भी बाकायदा वहाँ पर एक साया महसूस किया जो कमरे की खिड़की के बाहर मुझे दिखाई दिया था। अल्लाह के फजल व करम से हम महफूज तो रहे, लेकिन हमने सही वक्त पर डिसीजन लिया। पर जब इंसान को पूरी तरह से इल्म हो जाता है कि जहाँ वो रह रहा है ये ख़तरनाक है और आसिफ ज़्यादा है, तो आखिरी रात जब हमने गुजारी तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगी। बहुत अजीब सी कैफियत और एक अजीब सा खौफ था दिल में कि बस किसी तरह रोशनी हो जाए, सुबह हो जाए, ये रात गुजर जाए और हम इस फ्लैट को छोड़ दें, अपना सामान लेके जल्दी से चले जाएं। फातिमा कहती हैं कि आप तमाम सुनने वालों से ये दिली अल्तमास करूंगी कि जब भी किसी जगह पर शिफ्ट हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो कम अज़ कम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के हवाले से आप उस घर को चेक ज़रूर करवाया करें, चाहे करीबी मस्जिद के पेश इमाम को ले जाएं या किसी एक्सपर्ट को, लेकिन चेक ज़रूर करवाएं। याद रखिए कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट होते हैं, आपकी पूरी फैमिली की जान दांव पर लग सकती है। जिन्नात को लेके मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है, और ये मखलूक भी फ्री विल रखती है, जब चाहे नुकसान पहुँचा सकती है। एहतियात पछतावे से बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने अपना वाक्य शेयर किया, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। और फातिमा के और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले एपिसोड में शेयर करूंगा। और अब जो कहानी आप तमाम सुनने वालों की समाज तक पहुंचाने वाला हूं, हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, हमारे भाई जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, अलबत्ता मुझे तो शेयर किया, लेकिन वो अपना नाम बताना नहीं चाहते। उन्हीं की ज़ुबानी ये वाकया मैं आप तमाम सुनने वालों की समाज तक पहुँचाऊँगा। ये तब का वाकया है जब मेरी उम्र 8 साल के करीब होगी और अब मैं यूके में रहता हूँ। मेरे बचपन का वाकया जो कराची में पेश आया। मेरी उम्र अब तकरीबन 36 साल है। मेरी वालिदा की 2 बहनें थीं छोटी, और दोनों कराची में ही रहा करती थी। सबसे छोटी खाला ने घर लिया था कराची की एक बहुत ही मशहूर जगह जिसे सफूरा गोट के नाम से जाना जाता है। सफूरा गोट में घर लिया एक सोसाइटी में जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता प्राइवेसी की वजह से, और वो जगह काफ़ी मशहूर भी है वहाँ पर आज भी। और जिस वक्त की मैं ये बात बता रहा हूँ, उस वक्त कराची की वीरान तरीन इलाकों में से था सफूरा। मेरी खाला को वहाँ पे एक बेटी भी पैदा हुई, और हम उस घर में मिलने के लिए गए थे। मेरी दूसरी खाला और मेरी वालिदा, मैं और मेरा एक कज़न भी था जो बचपन से मेरे साथ ही पला बढ़ा है, वो मेरे साथ था। खाला नए घर में शिफ्ट हुई थी, इसलिए तमाम घर वालों को जाना भी था। हम अपनी खाला के घर चले गए। मैं और मेरा कज़न वहाँ जाते ही जैसे ही उस घर में दाखिल हुए, वो जो फीलिंग्स थी वो आज भी मेरे दिल में है। बहुत अजीब सी फीलिंग्स थी उस घर में दाखिल होते ही, और आज मुझे ये ख्याल आता है कि वो फीलिंग्स दरअसल ये थी क्योंकि वो घर बहुत भारी था। वो सादगी का ज़माना था, बच्चों की सोच बहुत मखसूस थी। मैं और मेरा कज़न उस घर के चक्कर लगाते जा रहे थे, घूम रहे थे, उस घर को एक्सप्लोर कर रहे थे। मेरी खाला की बेटी के अलावा एक छोटा क्रॉलिंग करता हुआ बच्चा भी था। हम पूरे घर में चक्कर लगाते जा रहे थे। अब उन बच्चों में से सबसे बड़ा मैं था, इसीलिए मैं ही लीडर था, और बच्चे आपस में खेलते खेलते छत पे चले गए देखने के लिए, और सबसे आगे मैं ही था। हमारे भाई कहते हैं कि छत पे चढ़ते ही एक तरफ टैंकी पड़ी हुई थी। आपने बहुत सारे लोगों ने ये गौर किया होगा कि पाकिस्तान में अक्सर बेशतर इस तरह होता है कि पानी की टंकी जो होती है, सीमेंट की स्लैब्स को वर्टिकल लगा के, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लगा के, उसके ऊपर टंकी को लगाया जाता है। इसी तरह की जगह बनी हुई थी, और बीच में जो उसका स्पेस था नीचे खाली, वहाँ पे नज़र पड़ी। दरअसल वो नया घर था, इसीलिए पूरी छत बिल्कुल खाली थी। मैंने जैसे ही वहाँ पे देखा, मुझे लगा कि कोई चीज़ वहाँ पे रखी हुई है,
अब कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे कि वहां से एक हाथ नमूदार हुआ अंदर से, जिसे देखकर मैं काफी हैरान हुआ और कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। जमीन के नीचे से हाथ कैसे निकल सकता है, नीचे तो कुछ नहीं है। और जब हाथ पे गौर किया तो वो एक जायंट हाथ था, फोर आर्म्स तक वो बाहर निकला था। मैं उसे मुस्तकिल देखे जा रहा था, वो तकरीबन पर्पलिश था, डार्क। वो हाथ इतना मोटा और इतना बड़ा था तो उसका बाकी का जिस्म कितना बड़ा होगा। इस सोच ने मुझे मजीद खौफ में मुबतला किया, लेकिन अब भी मैं समझ रहा था ये क्या चीज है। और जब वाकई में मैंने उसके हाथ देखे, उसकी फिंगर्स वगैरह पे गौर किया, उसके नाखून पे गौर किया, तो वो एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ा हाथ था। और तब मैं समझा कि यार ये तो कोई क्रिएचर है, कोई चीज़ है। आखिर ये हाथ इस स्पेस में क्या कर रहा है, और अगर ये हाथ इस जगह से नीचे निकल रहा है तो ये नीचे आखिर कहाँ की तरफ जा रहा है, और इसका जिस्म कितना बड़ा होगा। बस यही सोचते हुए खौफ इस तरह तारी हुआ कि चिल्लाने लगा, और चिल्लाते हुए सीधा नीचे भागे। जब नीचे आए भागते हुए, मेरा कज़न मेरे पीछे ही था, सबसे आगे ही वही था। बस हम घबराहट के मारे किसी तरह नीचे गए। वो जो बच्चा था क्रॉलिंग करता हुआ, वो भी सीढ़ियों पर ही चढ़ रहा था। लेकिन हम नीचे घर वालों को चिल्लाते हुए बताने लगे कि हमने हाथ देखा है। और इस तमाम वाक्य से मैं ही आगाह कर रहा था तो मेरी खाला और वालिदा ने कब वहम होगा। मेरे वालिद साहब इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो जानते हैं। तो मेरी वालिदा ने ये समझा शुरू में कि हाँ, इनके वालिद साहब भी इस तरह की बातें करते हैं, हो सकता है कि ये इसी वजह से ये बातें कर रहा हो। लेकिन वालिदा हैं वो अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कभी भी इस तरह की बातें पहले घर में नहीं की, यानी अगर कोई चीज़ मखलूक मेरे सामने आए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन जो भी मैंने देखा वो साफ साफ बता दिया। अम्मी समझ गई कि ये कभी भी इस तरह की बातें करता तो नहीं है, आज इसने कोई चीज़ देखी होगी इसीलिए कही है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैंने जिन देखा है, मैंने कहा कि मैंने एक हाथ देखा था। उसके बाद जो उस वक्त हमारे एक शाह साहब हैं उनसे हमने पता किया, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त जो इन्हें कपड़े पहने हुए थे वो मेरे पास लेकर आए, तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अब ये क्या कहानी थी, उस वक्त जो कुछ हुआ वो तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। अलबत्ता मेरी जो खाला की छोटी बेटी थी वो बीमार हो गई, जो उसी घर में पैदा हुई थी, वो नौमौलूद बच्ची थी और बहुत बीमार हो गई। बहुत इलाज कराने के बाद भी बच्ची को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बच्ची बीमार रहने लगी। और मेरे खालू भी इन बातों पर बिलीव नहीं करते थे, जिन्नात वगैरह और रूहानियत की तरफ जाना नहीं चाहते थे। बहरहाल जब आखिर में हम थक गए तो बड़ों ने यह फैसला किया कि रूहानी इलाज भी करवाना चाहिए, आखिर करके देखना तो चाहिए। जब रूहानी इलाज की तरफ गए तो पता चला कि वहाँ पर जिस घर में ये रहा करते थे, जो इन्होंने नया घर लिया था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि जिन्नात की पूरी फैमिली रहती है। और वो जो हाथ देखा था मैंने, वो एक जिन के बच्चे का था। अंदाज़ा लगा लें कि वो छोटा सा हाथ जो एक जिन के बच्चे का था, अगर वो अपना पूरा वजूद जाहिर करता तो वो खुद कितना बड़ा होगा और कितना जायंट होगा, कितना जायंट तो उसका हाथ था। हमारे भाई कहते हैं कि अपनी खाला की बेटी का नाम तो नहीं लेना चाहता, और बाद में इसका सोल्यूशन यही निकला कि उस घर को छोड़ देना चाहिए, और खाला ने अपनी बेटी का नाम भी चेंज कर दिया। यही सबसे बेहतरीन सोल्यूशन था। और आप तमाम सुनने वाले भी इस वाक्य से नसीहत हासिल यही करें कि जब बात जान पर आ जाए तो बेहतर ये कि वो जगह ही तर्क कर दें, जगह तब्दील कर दें, अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया। बिना तहकीक किए अगर किसी घर में हम शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, और उसका अंजाम कितना भयानक भी हो सकता है अगर वो घर आसिफ ज़्यादा निकला, या वहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक जिन्नात का साया हुआ, तो आप क्या करेंगे। इसकी एक मिसाल ये कहानी है जो आपसे अब शेयर करने जा रहा हूँ। अरमीश राजपूत ने ये कहानी कराची से शेयर की, और कहती हैं कि मेरी वालिदा मोहतरमा के कज़न थे, उनकी वाइफ आसिफज़दा थी, और उनकी वाइफ आसिफज़दा इस तरह हुई थी कि वो एक घर में शिफ्ट हुए थे। उन्हें किसी भी बात का इल्म नहीं था कि उस घर में पहले से बहुत ज़्यादा असरात हैं, यानी वो घर भारी है, वहाँ पर जिन्नात का साया था। और जब ये शिफ्ट हो गई तो उन जिन्नातों ने इसे जकड़ लिया। अपने घर में इंसान बिल्कुल कैजुअल ड्रेसिंग में भी रहता है, बाज़ूकात ख़वातीन दुपट्टा भी नहीं पहनती, और सोचे अगर वहाँ पर जिन्नात मौजूद हो और आपको इस कैफियत में देख लें। तो मेरी वालिदा के जो कज़न थे उनकी वाइफ यानी अम्मी जान की जो भाभी थी, उन पर आशिक हो गए थे, और वो किसी दूसरे रिलीजन के थे, और वो उनके सामने आके उनसे बातें भी किया करते थे। वो बताती हैं कि उनका कद बहुत लंबा था, उनके शौहर अक्सर उन्हें देखा करते थे कि वो खुद से खुद बातें करती है,
बाद में उन्होंने बताया कि वो जिन उन्हें ये भी कहता है, अगर तुमने अपने शौहर से दूरी इख्तियार ना की तो मैं उसे मार दूंगा और बच्चों से भी दूर रहो। और बच्चे भी अक्सर ये देखते थे कि वालिदा अक्सर किसी न किसी से खामोशी से बातें कर रही होती हैं और जिससे वो बातें करती है वो चीज़ दिखाई नहीं देती, अकेले में खुद से खुद लगी हुई होती हैं। और जब उनके हस्बैंड को पूरी तरह से यकीन हो गया इस बात का कि वो सच कह रही हैं, वो काफ़ी जगहों पर इलाज करवाने के लिए ले गए लेकिन आराम नहीं आया। बाद में जब घर छोड़ दिया तो वो दूसरे घर में भी उसके पीछे आ गए क्योंकि अब वो आशिक हो चुका था। लेकिन आखिरकार शौहर था उसका, अपनी बीवी को तकलीफ में कैसे देखता। उसने इलाज करवाना नहीं छोड़ा और तब जाके किसी साहिब इल्म शख्स से उनका रابطہ हुआ जो काफ़ी माहिर थे रूहानियत में। उन्होंने सही से इलाज किया और फिर उन्हें इस मुसीबत से निजात मिली। अल्लाह का शुक्र है कि वो सही सलामत हैं, बच गए। प्लीज़ अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आज के एपिसोड की तीसरी कहानी हमारे जिस भाई ने हमसे शेयर की, उनका नाम है अब्दुल कादिर या अब्दुल कदीर। हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, उनकी पूरी फैमिली का दिल से बहुत शुक्रिया, वो सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। और तमाम लिसनर्स का भी शुक्रिया जो सुनते हैं, वाकया शेयर भी करते हैं। एक और वाकया जो अब्दुल कादिर भाई ने हमसे शेयर किया, वो कहते हैं कि मैं बैट बॉल खेलने का बहुत शौकीन हूँ और अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने के लिए दूर दूर जाता हूँ। एक ऐसा घर था जो काफ़ी वक्त से बंद भी था और कहा जाता है कि उस घर में जिन्नात है। हम क्रिकेट खेलते वक्त हमेशा तीन बॉलें एक साथ लेके जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब एक ही बॉल थी और क्रिकेट खेलते वक्त बॉल उसी घर में चली गई। अब एक ही बॉल थी, लाना भी था, कोई भी दोस्त वहाँ जाने को राज़ी नहीं था। तो मैंने कहा कि यार तुम सब लोग बहुत डरपोक हो, मैं लेकर आ जाता हूँ। और मैं कूद कर उस घर में चला गया। वो काफ़ी बड़ा घर था, मुझे एक की जगह 11-12 बॉलें वहाँ पर मिल गई। मैंने जितनी बॉलें मेरे हाथ में आई मैंने बाहर की तरफ फेंक दी अपने दोस्तों को। एक बॉल उसी कमरे की तरफ चली गई थी अंदर ही जो खुला हुआ था, लेकिन वहाँ मैं अंदर गया नहीं था। झुककर जो देखता हूँ कि चारपाई के नीचे जहाँ पर बॉल गई थी वो एक चारपाई थी, लेकिन बॉल से पहले ही मेरी निगाह पड़ी कि एक औरत थी जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, उसकी आंखें लाल थी। एक बंद घर में जहाँ पे अंधेरा भी हो और दिन का वक्त हो, लेकिन घर के अंदर तो अंधेरा था। और जब मैंने उस औरत को देखा तो उसकी आंखें लाल चमक भी रही थी और वो चिल्लाने लगी कि यहाँ से जाओ। और ये मंजर देखने के बाद ऐसा लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। बड़ी हिम्मत करके वापस भागा हूँ और फलांग कर ही फौरन बेहोश हो गया, बर्दाश्त न कर पाया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था और तमाम घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे। मेरे दोस्तों ने मुझे घर पहुंचाया था और फिर उन सबको इस वाक़े से आगाह भी किया। और इस वाक़े के बाद से मुझे तकरीबन एक हफ्ता काफ़ी तेज़ बुखार था। ये थी वो आज की कहानियाँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर भाई और आप सबका जिन्होंने मुझे वाक़यात भेजे। आपके बहुत सारे वाक़यात हैं मेरे पास, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन करते जाऊँगा। एपिसोड शेयर नहीं कर पा रहा था, आप सब जानते हैं मेरे वालिद साहब बीमार थे, और यही नहीं बल्कि जॉब की वजह से भी मैं काफ़ी मसरूफ़ था और घर को भी देख रहा था और तमाम मामलात भी देख रहा था। आप तमाम सुनने वालों से ये दिली अल्तमास करूँगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वालिदैन को भी, अपने वालिदैन का खासकर बहुत ख्याल रखें, नमाज पढ़ते रहें और ताहरत में रहा करें। ज़िंदगी मौत का कुछ भी नहीं पता दोस्तों, अपना ख्याल रखें। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। आप सब मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसमें मैं अक्सर अच्छी अच्छी चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ, नोटिफिकेशंस भी। और इंस्टाग्राम का नाम भी एलिगेंट अबी ही है। बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं ये बता दूं कि एलिगेंट अबी के नाम से ही इंस्टाग्राम में ब्लैक सूट पहना हुआ है, तस्वीर देखकर आप सब समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।